Once upon a time, visitors ask an old woman a question. एक बार की बात है, विजिटर्स एक बुढ़े औरत से एक प्रश्न पूछते हैं. Who are they, the children? वे सब बच्चे कौन हैं? What did they make of that encounter? वे इस encounter की या फिर भेंट के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? What did they hear in those final words? वे लोग अंतिम वर्ड्स को मतलब कि क्या सुने, यानी कि जो अंत में कहा गया था वे क्या सुने? द बर्ड इज इन योर हैंड, मतलब क्या वे सुने कि जो चिड़िया तुम्हारे हाथों में है. और सेंटेंस दैट गेस्टर्स टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी और वन दैट ड्रॉप्स अ लैच. एक सेंटेंस, एक वाक्य जो पॉसिबिलिटी की ओर इंगित करती है, या फिर एक ऐसा जो लैच को गिराती है, मतलब कुंडी को गिराती है. Perhaps what the children heard was, शायद जो children सुने थे वो ये था. It was not my problem, यह मेरी problem नहीं है. I am old, मैं बुढ़ी हूँ. Female हूँ. Black and blind, ठीक है, black हूँ और blind हूँ. What wisdom I have now is in knowing I cannot help you. यानी कि जो बुद्धि हमारे पास है, जो बुद्धि मेरे पास है, ठीक है, उससे मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ. द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, और लैंग्वेज की जो फ्यूचर है वो तुम्हारी है. दे स्टैंड देयर सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, वे लोग वहां खड़े हैं. सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड, मानो कुछ भी उनके हाथ में नहीं था. सपोज द विजिट वॉज ओनली अ रियूज, और जो विजिट था वो बिल्कुल एक ट्रिक रियूज था. रियूज मतलब कि ट्रिक था, ठीक है, यानी कि चाल था, एक अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर. और वहां पे उससे मिलने के लिए गए थे तो बस एक चाल के थ्रू गए थे कि उसको हमें धोखा देना है, ठीक है, और उसको इसी तरीके से मतलब कि लिए हुए थे और इसके पहले हुए वहां नहीं गए हैं. A chance to interrupt, to violate the adult world, its miasma of discourse about them. वे उनको एक मौका मिला कि वे मतलब कि उसको इंटरप्ट कर सके, ठीक है, और एडल्ट वर्ल्ड को मतलब कि वो वायलेट कर सके. यू ओल्ड मैन ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन. तुम बुढ़ी औरत जिसे कि ब्लाइंडनेस की आशीर्वाद मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि तुम अंधी हो, तुम बता सकती हो, कह सकती हो द लैंग्वेज, उस भाषा को, दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन. और तुम हम लोग को ये बताओ कि लैंग्वेज जो है वो मतलब क्या क्या कर सकती है. हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, यानी कि लैंग्वेज जो है वो हम लोग को ये बताती है कि कैसे बिना पिक्चर के मतलब देखा जाता है. लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैडनेस ऑफ थिंग विद नो नेम्स. लैंग्वेज हम लोगों को उन चीजों के डर से मतलब क्या सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसका कोई नाम नहीं है. लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, लैंग्वेज अकेला एक मेडिटेशन है, एक ध्यान है. टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन सो दैट वी मे नो व्हाट इज टू बी अ मैन. फिर आगे वे पूछते हैं कि बुढ़ी औरत से कि बताओ कि एक औरत क्या होती है, ठीक है, एक औरत के बारे में बताओ, एक मर्द के बारे में बताओ. व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, और ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किनारे पर मतलब कि कौन लाया है, मतलब तुम किनारे पर कैसे आई हो. व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, क्या मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे कोई घर नहीं है, ठीक है. टू बी सेट अडिफ्ट फ्रॉम वन यू नो, और फिर क्या तुम ऐसे किसी को नहीं जानती हो मतलब कि जो तुम्हारे मतलब कि तुम्हें जानता हो, ठीक है, और फिर तुम्हारे मतलब कि हेल्प कर सकता हो. व्हाट इट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन्स एंड कैन नॉट बी योर कंपनी, और फिर मतलब कि तुम इस शहर के मतलब किनारे पर रहते हो और तुम्हारे साथ कोई रहता ही नहीं है, क्या तुम्हारे फैमिली वाले नहीं है. ये सारे क्वेश्चन जो है मतलब कि वे लोग पूछते हैं. टेल अस अबाउट शिप्स टर्न अवे फ्रॉम द सोर लाइन्स एट ईस्टर प्लेसेंटा इन अ फील्ड, और
हम लोगों को उस शिप के बारे में बताओ जो मतलब कि शोर लाइन से मतलब दूर चली गई थी, यानी कि तटरेखा से दूर चली गई थी ईस्टर के समय में. टेल अस अबाउट अ वैगन लोड ऑफ स्लेव्स, हाउ दे सैंग सो सॉफ्टली, देयर ब्रेथ वाज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फॉलिंग स्नो. और हम लोगों को उस वैगन लोड स्लेव के बारे में बताओ, उन स्लेब्स के बारे में बताओ जो मतलब कि वैगन लोड में थे, यानी कि उनको मतलब कि वैगन में उनको डाल करके ले जाया जा रहा था. और वे मतलब कि इतने मधुर गा रहे थे कि उनके आवाज में कोई डिफरेंस नहीं था. हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ नियरेस्ट शोल्डर डेट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट. और वे कैसे जानते थे, ठीक है, कि उनकी जो अगली स्टॉप है वो उनकी लास्ट स्टॉप होगी. द इन डोर ओपन्स, अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट. इन डोर खुलता है, यानी कहने का मतलब कि जो सराय है, सराय का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक लड़का और एक लड़की जो है वो बाहर आती है. दे क्लाइंब इन टू द वैगन बेड, और वे वैगन बेड में चढ़ जाते हैं. द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, लड़के के पास 3 साल में एक बंदूक होगा. बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर, लेकिन अभी उसके पास एक लैम्प है, ठीक है, और एक गरम सेब का मदिरा का एक जग है. दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, वे लोग इसको मतलब कि एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे को देते हैं. द गर्ल ऑफर्स ब्रेड पीसेज और मीट, गर्ल जो है वो ब्रेड, ठीक है, और मीट और कुछ भी मुझे देती है. क्या देती है? अ ग्लांस इनटू द आईज ऑफ द वन शी सर्व्स, वो जो मतलब वो जो लड़की है उन लोगों के आंखों में एक झलक देखती है जिसको मतलब कि वो सर्व कर रही होती है, जिसको वो परोस रही होती है मीट और ब्रेड. वन हेल्पिंग फॉर इच मैन, और एक आदमी जो है प्रत्येक आदमी को हेल्प कर रहा था. टू फॉर इच वुमेन, और दो लोग जो थे वो प्रत्येक औरत को हेल्प कर रहे थे. एंड अ लुक, दे लुक बैक, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट बट नॉट दिस वन, दिस वन इज वर्म्ड. वे एक दूसरे को देखते हुए, ठीक है, ये देखते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, यानी कि जो अगली स्टॉप होगी वो उनकी लास्ट स्टॉप होगी. बट नॉट दिस वन इज वर्म्ड, लेकिन वे लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वे मतलब कि उस समय जो मदिरा और क्या कहते हैं खाने के लिए जो मिल रहा था उसे वो ध्यान देते हैं. इट इज क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग अंटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस, यानी कि बिल्कुल ही शांत हो गया था वातावरण जब बच्चों ने मतलब बात करना बंद की, बोलना बंद किया, और जब औरत ने अपनी मतलब की साइलेंस को तोड़ी, यानी कि वो बोलना शुरू की. अंत में बोलती है फाइनली सी सेज, वो कहती है आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पे विश्वास है. आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड डैट इज नॉट इन योर हैंड बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, और मुझे विश्वास है कि मतलब तुम्हारे हाथ में मतलब कि कोई चिड़िया नहीं है. हाउ लवली इट इज दिस थिंग वी हैव डन टूगेदर, यानी कितना अच्छा है, ठीक है, कितना प्यारा है यह चीज जिसको हम लोगों ने साथ मिलकर किया हुआ है. कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज से हम लोग कैसे ये जानकारी किए हुए हैं कि मतलब कोई तुम्हारे पास चिड़िया नहीं है. लैंग्वेज से हम लोग ये बता सकते हैं, यानी भाषा के प्रयोग से हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या कौन सी चीज जो है, ठीक है, वो किसके पास है, ठीक है, क्या नहीं है, यानी कि हर एक तरह की जानकारी जो है हम लोग लैंग्वेज से मिल सकता है, ले सकते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा लेसन खत्म हो गया. यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसको आप लोग खुद कर लीजिएगा ये लेसन से पढ़ करके. आगे दिया हुआ है यहाँ पे कुछ ग्लोसरी नोट्स दिए हुए हैं. वर्ड्स मीनिंग है लॉर, लॉर का यहाँ पे मीनिंग दिया है विजडम, बुद्धि, स्कॉलरशिप, लर्निंग फ्रॉम नॉलेज. ओके, और शुद्ध, शुद्धिंग मतलब होता है शांत करना, ठीक है. कल्चर मतलब सिविलाइजेशन मीनिंग दिया, यानी कि संस्कृति होता है. ट्रांसग्रेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, जो लॉ है लॉ का उल्लंघन करना. उसके बाद से क्लैरवॉयंट है, ठीक है, क्लैरवॉयंट मतलब वैसा इंसान जिसके पास अंतर्दृष्टि होती है, यानी कि वो मतलब कि अपने आंख अंतर्दृष्टि से वो देख सकता है, यानी कि वो फ्यूचर देखने का काम करता है, ठीक है, फ्यूचर से समझ में आ जाती है.
द यहाँ पे लिखा है द फैकल्टी ऑफ सीइंग मेंटली, ठीक है, दैट इज हैपनिंग पर्सन हैविंग पावर ऑफ सीइंग इन द माइंड आइदर फ्यूचर इवेंट और थिंग, यानी कि मेंटली देखने की जो फैकल्टी है, जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब कि वो मन में ही देख लेगा, ठीक है, दिमाग में ही देख लेगा, उसे कहते हैं हम लोग क्लैरवोयंट। उसके बाद स्टर्न, स्टर्न का यहाँ पे दो मीनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे द रियर पार्ट ऑफ अ शिप ऑफ अ बोट, यानी कि शिप या बोट के जो रियर पार्ट होता है, पिछला पार्ट होता है, वो उसे भी स्टर्न कहते हैं। और फिर टू फाइंड वन सेल्फ फेस्ड बाई सम डेंजर, या फिर हम लोग मतलब कि ऐसे इसको कठोर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, कड़े के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। रिप्रीमैंड, रिप्रीमैंड मतलब टू रिब्यूक फॉर ए फॉल्ट, यानी कि किसी गलती के लिए डांटना, फटकारना, उसके लिए रिप्रीमैंड का इस्तेमाल होता है, उसकी बेइज्जती करना। एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब होता है कन्फ्लिक्ट में, मतलब कि कह रहे हैं मतलब ये है मुठभेड़ कहते हैं उसको हिंदी मीनिंग, अ मीटिंग इन कन्फ्लिक्ट। उसके बाद से मियजमा है अनहेल्दी एनवायरमेंट और इन्फ्लुएंस, यानी कि खराब एनवायरमेंट जहाँ पे बदबूदार हो, दुर्गंध आता हो उसे। लैच, लैच मतलब यहाँ पे दिया है फास्टनिंग फॉर ए डोर, कहने का मतलब ये है कि जो डोर में एक कुंडी लगी होती है छोटी सी, उसी का कहते हैं लैच। स्टूडेंट्स, आपका यह लेसन खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया आप इसे अपने दोस्तों को बताएं, उसके साथ शेयर करें और लेसन और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। साथ में वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।